दोस्तों जय मसीह की। मैं पास्टर दिनेश चावला आप सभी का मेरी दौड़ के चौथे एपिसोड में बहुत ही स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो आप कहानी सुनने जा रहे हैं देखने जा रहे हैं बाइबल के लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 29 वचन पे आधारित है। दोस्तों इसमें प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं जिससे हमें पता चलता है कि असली पड़ोसी कौन है। और मैं चाहता हूं कि ये एपिसोड आप बड़े ध्यान से देखें, इसको समझें। इस एपिसोड के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका आपको सही सही जवाब देना है। वाओ, कितनी प्यारी सुंदर चेन है। आपको अच्छा लगा ना? बहुत प्यारा, लेकिन ये किसके लिए? ये आपके लिए। वाओ, ये मेरे लिए इतना महंगा तोहफा? हाँ, मैंने मेरे बॉस से एडवांस पेमेंट लेकर ये आपके लिए लेके आया। बहुत ही प्यारा तोहफा है। थैंक यू जीसस, और थैंक यू आपको भी कि आप इतना प्यारा तोहफा मेरे लिए लेके आए। मुझे मालूम है कि मेरी अंजू को गोल्ड बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैंने एक गोल्ड को दूसरा गोल्ड तोहफा लेके आया हूँ। लेकिन ये तो ठीक है कि मुझे गोल्ड पसंद है, लेकिन हाँ। हमें ऐसा सब पैसा बर्बाद इसी में क्या बर्बाद करना है, क्योंकि हमें अपने बच्चों का फ्यूचर भी तो बनाना है। पापा, मैं कैसे लग रही हूँ? ओ मेरी प्यारी बेटी, बहुत ही सुंदर लग रही हो। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसके भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। अरे अंजू, नाश्ता रेडी हुआ क्या? अच्छा, ये है चटनी। वाह वाह, ये है सांभर। मम्मी, क्या हुआ बेटी? मेरा गला ठीक नहीं लग रहा है। गला ठीक नहीं लग रहा है सूरज? क्या हुआ? क्या हुआ? देखिए ना क्या हुआ इसे। कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को। मेरे गले में तकलीफ हो रहा है और बार बार खांसी भी हो रहा है। एक काम करो, आप इसको हॉस्पिटल में लेके जाओ। मेरी है ना आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना जरूरी है। नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते मीटिंग में, क्योंकि ना बेटी का तबीयत खराब है और आपको जाने वहाँ पर के मेरा सब वेट कर रहे हैं। अंजू आप समझ रहे क्यों नहीं? नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते, बेटी का तबीयत इतना खराब है और आपको ऑफिस जाना है, छुट्टी ले लीजिए ना। मेरा लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है आज। नहीं आप नहीं जा सकते। बेटा आप मम्मी के साथ हॉस्पिटल में जाओ, ओके? आपको कुछ नहीं होगा, आप मुझे वहाँ से कॉल करो। अच्छा ठीक है, आप जाइए, कुछ रहेगा तो मैं आपको कॉल करके बताऊँगी। प्रभु यीशु, अंजू मैं जा रहा हूं। मैं गले में बहुत दर्द हो रहा है। अभी हम हॉस्पिटल में आए हैं, अभी हम डॉक्टर को दिखाएंगे। डॉक्टर जोशना आए हैं? उधर है कैबिन में। ओके, कम इन। मे आई कम इन? प्लीज कम, बैठ जाइए। बैठो बेटा।
कुछ इसे ना खांसी हो रहा है और बहुत ही वीक लग रही है। कब से हो रही है खांसी? अभी ये कुछ दिन से हो रहा है, लेकिन हमें ये लगा ये कुछ दिन में कम हो जाएगा, लेकिन ये बढ़ते जा रहा है। ओके, बुखार है? बुखार भी आ रहा है। ओके, भूख वगैरह लगती है बराबर? हाँ, मिस कम हो रहा है भूख भी इसका। ओके, आ जाओ, मैं इसको चेक करती हूँ। एक मिनट बैठो, लंबी सांस लेना। टेक डीप ब्रेथ, अच्छे से सांस लो, लंबी सांस। मुझे ऐसा लगता है कि उसको निमोनिया है, अर्जेंटली उसको अभी के अभी एडमिट करना पड़ेगा। दूसरी बात, उसको बहुत इन्वेस्टिगेशंस लगेंगे, उसको एक्सरे, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट लगेंगे, और उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। नहीं ठीक है ना डॉक्टर, जितना जल्दी होगा उतना अच्छा है ना। सिस्टर, ये पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करो, तुरंत हम लोगों को इसको ब्लड सैंपल और जो मैंने लिखी है उसको इन्वेस्टिगेशन भेज दो। क्या हुआ, फोन भी नहीं लग रहा है? सिस्टर अंजू, यहाँ पर आ जाइए, आपका फाइल आया है, मैडम को दिखा दीजिए। मैडम वहाँ पर बैठी है। May I come in? Please come in. बैठो। देखो, इनके रिपोर्ट तो मैंने देख लिए हैं। तुम्हारी बेटी को एक ट्यूमर है लंग में, और हार्ट की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो अर्जेंटली उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। 4-5 लाख का खर्चा आ सकता है, सो आपको अर्जेंटली उस पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। जैसे ही आपके पैसे का इंतजाम होता है, हम आगे की जो भी ट्रीटमेंट है वो शुरू करेंगे। ये भी पता चला कि हार्ट में थोड़ा होल है उसकी, तो उसका भी ऑपरेशन करना पड़ेगा जल्द से जल्द, कि जान बचानी है तो आपको जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। तो आप कर दो पैसे का इंतजाम, हम तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। The number you are trying to call is currently not reachable. हेलो। हाँ सूरज। हाँ बोलना, क्या हो गया? मैं इधर हॉस्पिटल में हूँ, और डॉक्टर ने बताया कि उसने बताया कि हार्ट का प्रॉब्लम है, और दूसरी बात उसको ट्यूमर भी है, और डॉक्टर ने बोला जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करना चाहिए। घर पे जाइए और कबर में से जो भी गहना है मेरा उसको लेके आइए, और तुरंत बेच के उसको हॉस्पिटल में पैसा इकट्ठा करके लेके आइए। आप इन्हें चिंता मत करो, ओके? भी जाकर पैसे लेके आ दो। ओके, डॉक्टर को बोलो पहले ऑपरेशन चालू करो, कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को। प्लीज आप जल्दी जाइएगा और पैसों का इंतजाम करके आइएगा। मैं आता हूँ, जल्दी से जल्दी आता हूँ। इनकी ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है, जल्द से जल्द ऑपरेशन के जो पैसे हैं जमा कर दीजिए। ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है, ठीक है? मेरी बेटी हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, ऑपरेशन के लिए 5 लाख की जरूरत है। ब्रदर क्या बताऊँ, अभी लॉकडाउन के कारण मेरे बिजनेस में बहुत टफ चल रहा है, और मैं अभी मेरा बिजनेस लॉस चल रहा है, तो 50 लाख का लोन मैंने करवाया है। ऐसे भी नेक्स्ट मंथ में मेरा लोन पास होने वाला है ना, मैं तुझे पक्का दूंगा यार, प्लीज।
कोई बात नहीं, ठीक है। प्रभु मुझे माफ कीजिए, प्रभु मैं ये सोना बेचकर अपने बेटे का इलाज करना चाहता हूँ। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं एक कीमती जेवर बेचकर इलाज करना चाहता हूँ। प्रभु मुझे माफ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु मुझे मदद कीजिए, सहायता कीजिए। मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, ये लीजिए। अच्छा, ये सब कुछ लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। 5 लाख रुपए है ना? हाँ। धन्यवाद जी। आ गया बकरा, चलो चलो चलो। कौन हो तुम लोग? अरे मुझे क्यों मार रहे हो? छोड़ो मुझे। अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरे पैसे दे दीजिए ना। अरे ये सूरज है क्या? नहीं, सूरज तो नहीं हो सकता। अरे ये सूरज है क्या? नहीं, सूरज नहीं हो सकता। अरे हाँ हाँ हाँ, आ रहा हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ। ओके, आ रहा हूँ। तो देखा आपने कैसे सूरज जब अपने सारे पैसे और गहने लेकर जा रहा था, रास्ते में उससे गुंडों ने लूटा और उसके सारे पैसे और गहने लेकर भाग गए। और न सिर्फ लूटा पर उसको मार मार के अधमरा करके छोड़ गए। और बड़ी विडम्बना हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके अपने पड़ोसी ने भी उसकी मदद नहीं की, उससे देखकर अनदेखा कर दिया। उसके खास दोस्त ने भी तकलीफ के समय में उसे पहचानना न चाहा।
अरे ये कौन है? चल जाके देखता हूँ। अरे ये कौन है? इसको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। जल्दी देखो, बहुत सीरियस है, देखो। अरे अरे जल्दी जल्दी इमरजेंसी लो। सूरज सूरज, ये क्या हुआ है? कोई तो बताओ, सूरज को क्या हुआ है बताइए। अरे अरे आप लेटे रहो, आप आराम करो, आप आराम करो। अब कैसा लग रहा है? अभी मुझे ठीक लग रहा है डॉक्टर। मेरी बेटी तो ठीक है ना? आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, उसका ऑपरेशन हो गया है। मैं आपको एक पूछना चाहती हूँ कि उस दिन आपके साथ क्या हुआ था? मुझे याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ मैं रास्ते से जा रहा था, मुझे मेरी बेटी को बचाने का था। गुंडों ने मेरे से पैसे लिए और जो मेरी बेटी के लिए ऑपरेशन के लिए मुझे चाहिए थे, और मुझे पूरी तरह से मारा, मेरे सब पैसे ले लिए और मुझे अधमरा छोड़कर वहां पर चले गए। मुझे मालूम नहीं उसके बाद क्या हो गया और मैं मैं यहाँ पर कैसे आया? आपको एक व्यक्ति ने बचाया है। वो व्यक्ति एक्चुअली परमेश्वर के द्वारा भेजा गया होगा, क्योंकि उस व्यक्ति के द्वारा जान बचाई गई है। वक्त पर आपको यहाँ लेकर नहीं आता था तो शायद आपकी जान चली जाती थी। वो बाहर खड़ा है, मैं उसको अंदर भेज देती हूँ, आप उससे मिल। अभी आराम कर, शुक्रिया करता हूँ डॉक्टर। मुझे मेरे बेटी से, तुम्हारी बेटी से भी मिला देंगे, और उस व्यक्ति से भी मिल लो जिसने आपकी जान बचाई है। शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। यीशु प्रभु। कैसे हैं सूरज भाई, ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अभी तो ऐसा लग रहा है अच्छा है। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। सच में कौन इतना किसी के लिए कोई करता नहीं है। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी की है, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या, इंसान इंसान की मदद करता है। प्रभु यीशु मसीह यही बोलता है, मदद करो एक दूसरे की। हम भी थोड़ा मदद किया, हमने जो भी यीशु मसीह ने बोला वही किया है। आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम से आमेन। थैंक यू प्रभु यीशु, इनको आप ही ने भेजा था, धन्यवाद। बहन, सूरज आपका पति है क्या? हाँ सूरज मेरे पति है। मेरी बेटी भी ना इसी हॉस्पिटल में एडमिट है, और सूरज वो 4-5 लाख रुपए डॉक्टर ने बताया था कि ट्रीटमेंट के लिए लगेंगे, इसलिए वो मेरे गहने रख के फिर वो बेच के वो अपना पैसे लाने के लिए गए थे, और देखिए ना ऐसी हालत हो गई। फिर आप चिंता मत करो, परमेश्वर हमारा साथ में है। मैं प्रार्थना करता हूँ, आपका जो भी पैसा लगता है हम जरूर दे देंगे आपको, बिल्कुल चिंता मत करो। 5 लाख होने दो, जो भी ज्यादा होने दो, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। हाँ ठीक है, आप बेफिक्र रहो, ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस। सूरज की बेटी के लिए ना ये ऑपरेशन का पैसा लीजिए। मैं आपको रिसीट बना के दे दूँ। पेशेंट का नाम क्या है? रोशनी। पेमेंट किया, उसका बिल। ओके, थैंक यू। कैसे लग रहा है बेटा आपको? अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक हो गया, आपका ऑपरेशन भी ठीक हो गया है, आपकी मम्मी पापा भी आ गए हैं, मैं उनको अंदर भेज देती हूँ, परमेश्वर की दया से सब कुछ ठीक हो गया है। कि अभी आराम करो, मम्मी पापा अभी आ जाएंगे, ठीक है, चलो। मम्मी पापा। हाँ कैसे हो? अच्छा लग रहा है ना अभी? कैसी हो बेटी? सच में अंजू,
परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत अच्छे कार्य किए, मेरी बेटी को एक नया जीवन दिया। हाँ। सच में परमेश्वर को लाखों कोटि धन्यवाद हो। हम अपना जीवन पूरा परमेश्वर के साथ बिताए। हाँ। हमारा परमेश्वर महान है। तो देखा आपने दोस्तों, एक अनजान व्यक्ति ने, जिसे मैं समझता हूँ परमेश्वर का भय था, उसकी इस तकलीफ में उसने उसकी मदद की, उसे हॉस्पिटल लेकर गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी नजर में उसका सही पड़ोसी कौन है? जी हां, सही कहा आपने, जिसने उसकी मदद की। प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं कि हमें भी आड़े वक्त में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस एपिसोड में प्रभु यीशु का प्यार दिखता है और हम उस प्यार को ले लें और प्यार को बांटें। प्रभु आपको आशीष दे। मैं चाहता हूं आप ये मेरी दौड़ के एपिसोड देखते रहें, क्योंकि इससे हमें कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलता है। आज जो हमने सीखा वो दूसरों के साथ बांटे। अब मेरी दौड़ के 5वें एपिसोड में मिलते हैं। तब तक मैं आपसे अलविदा लेता हूं। गॉड ब्लेस यू। सलाम। जय मसीह की।